नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। लहसुन के दाम सातवें आसमान पर है। 50 से 80 रुपए किलो तक बिकने वाला लहसुन मार्केट में इन दिनों 400 से 500 रुपए किलो तक बिक रहा है। ऐसे में लहसुन की खेती करने वाले किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। इस फसल की सुरक्षा को लेकर किसानों की टेंशन भी इस कदर बढ़ गई है कि चोरी से बचने के लिए किसानों ने अपने खेतों में CCTV कैमरे लगा लिए हैं ताकि खेतों से लहसुन चोरी ना हो सके। मेरे खेतों में 13 एकड़ लहसुन लगा है और लगभग ख़त्म भी हो गया, थोड़ा बहुत बचा है, ये तो लगभग ख़त्म हो गया पूरा लहसुन। और ये लगभग सितंबर के माह में मैंने लगाया था और इसके अचानक इतने रेट तो कभी किसान सोच के लगाया नहीं, जो इस बार रेट आए हैं वो बहुत अच्छे, किसानों के लिए बहुत अच्छा मौका मिला ये कमाने का। कुछ बहुत से किसानों ने जिन्होंने लगाए थे, लागत ज़्यादा होने के कारण सभी किसान इसको लगा नहीं पाते, तो इसी कारण इस बार अच्छा पैसा बना किसानों का लहसुन। इसकी सुरक्षा आप कैसे कर रहे हैं? सुरक्षा सर CCTV लगा है, लहसुन महंगा है तो चोरी बहुत हो रहा है, खेतों से निकालना ये करना, तो ये सोलर वाला CCTV जो आया बहुत अच्छा है, तो वो अपने खेतों में लगा है जी। कितने रुपए की लागत से लगा? 8,000 रुपये में लग जाता है वो सोलर वाला, और बाकी मेरे पास तो 16 DVR के ज़्यादा है, तो 2-3 सेटों पर अलग है वो, सभी मेरे खेतों में, सभी खेतों में CCTV। आपने कितने एकड़ में लगाए हैं लहसुन? 13 एकड़ में है सर। 13 एकड़ में है। कितना लाभ हुआ अभी लहसुन से आपको? अभी तो करंट में 1 करोड़ कुछ प्लस, अभी क्लियर तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 1 करोड़ प्लस है। और लागत कितनी लगी थी? लागत लगभग 25 लाख के आसपास रही होगी सर। इस बार बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। मैंने देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी .com। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त।